तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है क्लोज़ फ्रेंड्स के लिए। क्लोज़ फ्रेंड्स के लिए इंस्टाग्राम लॉन्च करेगा एक ऐप जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और आपको हम सारा इसमें डिटेल में बताएंगे कि इस एप्लीकेशन में क्या है, क्या फीचर हैं और कब तक ये आ पाएगी और इसके बनाने वाले कौन हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। फेसबुक ने इंस्टाग्राम यूज़र के लिए नया मैसेंजर ऐप यानी थ्रेड ऐप लॉन्च करने की बात की है। थ्रेड ऐप में एक डेडिकेटेड इनबॉक्स और नोटिफिकेशन होगा जो कि सिर्फ क्लोज फ्रेंड ही देख पाएंगे। इस ऐप से यूज़र करीबी दोस्तों को काफ़ी तेज़ी से इमेज बेस्ड मैसेज भेज पाएंगे। द वर्ज ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि फेसबुक इस तरह के फीचर को अगस्त में ही टेस्ट कर रहा था और अब यह ऐप आधिकारिक रूप से इसके लॉन्च होने की घोषणा कर दी गई है। थ्रेड एक कैमरा फोकस ऐप होगा जिससे अपने करीबी दोस्तों से बात की जा सकेगी। इंस्टाग्राम पर क्लोज फ्रेंड का एक विकल्प भी है और कुछ स्टोरेज जो आप पोस्ट करते हैं उसे सिर्फ क्लोज फ्रेंड ही देख सकते हैं। थ्रेड ऐप में एक डेडिकेटेड इनबॉक्स और नोटिफिकेशन होगा जो कि सिर्फ क्लोज फ्रेंड ही देख पाएंगे। अगर यूजर ने फ्रेंड लिस्ट को क्रिएट नहीं किया है तो डाउनलोड करते वक्त वे इसे डायरेक्टली बना पाएगा। इस ऐप की मदद से आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर सकते हैं जैसे लोकेशन, बैटरी स्टेटस। और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इसमें पहले से ही आपको स्टेटस मिलेंगे सेफ हुए, जैसे एट द जिम, एट होम, एट द बीच और लो बैटरी जैसे स्टेटस आपको इसमें मिलेंगे, जिन पर क्लिक करके आप बिना कुछ टाइप किए अपने दोस्तों से अपना स्टेटस शेयर कर सकेंगे। थ्रेड सीधा मोबाइल के कैमरे को ओपन कर देता है जिससे यूजर जो भी चाहते हैं वे सीधा शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा यूजर्स अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटस चुन सकते हैं या अपनी तरफ से कोई भी स्टेटस बनाकर शेयर कर सकते हैं। यूजर्स इसके लिए ऑटो स्टेटस को टर्न ऑन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम थ्रेड ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों अभी तक का यही अपडेट आया है और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे और वीडियो बना के चैनल पर डालेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको अपडेट पता लग जाए। थैंक यू दोस्तों।